आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैली बटन की ऑयलिंग करने से क्या फायदा मिलता है, कौन कौन से ऑयल हमें बैली बटन में डालने चाहिए, यानी कि दुन्नी कहते हैं जिसमें हम पंजाबी में या फिर हिंदी में, उसमें अगर कोई ऑयल लगाते हैं तो हमें क्या फायदे होते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये बैली बटन की ऑयलिंग करने से जो छोटी छोटी बीमारियाँ, क्रैम्प्स, खुश्की वगैरह आती है हमारे फेस पे या हाथों पे या फिर बॉडी पे, कहीं पे भी खुश्की रहती है, क्योंकि विंटर आ रहा है, खुश्की तो होगी ही होगी, तो उस चीज़ के लिए हम कौन सा ऑयल अपनी बैली बटन में लगाए कि हमें उसका फायदा मिले। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, वेलकम आपके अपने चैनल टिप्स फॉर हेल्थ में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके सामने दरखास्त है आपके भाई का, अगर आप चैनल पर नए वेस्ट हो या फिर इस चैनल पर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज यार भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ बैली बटन का। देखिए बैली बटन में जो सारी वेन्स हैं या फिर जो भी नसें हैं सारी अटैच होती हैं, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं सब इस बैली बटन के साथ अटैच होते हैं। तो अगर हम बैली बटन की ऑयलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ये वेन्स हैं इनकी ऑयलिंग होती रहती है, जो चक्रास है अच्छे से काम करते हैं, तो हमारी बॉडी बीमारी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से 5 ऑयल है जो आपकी छोटी छोटी बीमारियों को दूर करते हैं। बैली बटन में नीम का ऑयल लगाएं, यानी कि धुन्नी के अंदर अपने जो नीम का ऑयल डालें रोज, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की में जो खुश्की आ रही है या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो नीम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटी फंगल होते हैं और एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है, जो कि हमारे इन सब चीज़ों से दूर करने में सहायता करता है। नेक्स्ट ऑयल इज आलमंड ऑयल, मतलब बादाम का तेल। बादाम का जो तेल आता है उसमें विटामिन ई सोर्स होता है, वो बालों के लिए तो अच्छा होता ही होता है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को ना नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, अंदर से जो वेन्स नसों को नष्ट करता है, नष्ट करने के बाद जो हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑयल की तरफ, मस्टर्ड ऑयल। देखिए मस्टर्ड ऑयल तो हर जगह हर टाइम पे मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। अगर हम इस ऑयल को बैली बटन में डालते हैं यानी कि धुन्नी में डालते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी ड्राई स्किन दूर हो जाती है, हमारे जो फटे होंठ रहते हैं, फटे होंठ कितने बेकार लगते हैं, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है, और दूसरी बार ये डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। आगे आते हैं कोकोनट ऑयल और ऑयलिव ऑयल। अगर हम इन दोनों ऑयल को मिक्स करके अपनी बैली बटन की ऑयलिंग करते हैं तो उससे हमारी मेन हो या वुमेन हो दोनों की फर्टिलिटी रेट बढ़ता है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। नेक्स्ट 5वें नंबर पे आता है हमारा मस्टर्ड ऑयल और जिंजर ऑयल को अब ला के जब हम अपनी बैली बटन की मसाज करते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, ब्लोटिंग होती है या फिर इन्फेक्शन होती है पेट में वो भी दूर हो जाती है। तो ये 5 ऐसे तरीके, मतलब बैली बटन को ऑयली करने के जो बेनिफिट मैंने बताए हैं, 5 ऐसे ऑयल बताए हैं आपको इस वीडियो में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, आपकी छोटी छोटी बीमारियों से आपको बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको नहीं अप्लाई करते, नहीं यूज़ करते तो हमें बीमारी होंगी, अगर बीमारी होंगी तो दवाई खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे नहीं गाइस, तो आप उस साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं अगर आप अपनी बैली बटन की ऑयलिंग करते हैं। मैं और भी बहुत सारे ऑयल बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, कि बैली बटन में और कौन से ऑयल लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कौन सा वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।